अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना आशियाना है ना आपको। तो जी अब बढ़ चुके हैं एक, और आज है दिन संडे का। संडे इज़ अ फन डे, मेरी हमेशा कोशिश रहती है अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की। तो आज लंच में हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए चाउमीन, नूडल्स, जो कि मैं घर में बनाऊंगी, चाउमीन ही बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ सर अपनी डेंटिंग वेंटिंग के लिए। मैं जा रही हूँ पार्लर, बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा चलो, पहले भी गई थी तो रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं, आज होकर आते हैं पार्लर। तो अफू भी मेरे साथ जाएंगी। अफू कहाँ जाएगा? पार्लर जाएगा। अफू का मेकअप करा दो पार्लर में? नहीं, थ्रेडिंग करा दो अफू के, थ्रेडिंग करवा दो, आईब्रोज बनवा लो फिर। नहीं, अच्छा अब वो क्या करेगा पार्लर जाके, जल्दी बताओ। बस वो खरा रहेगा, मम्मा के साथ जाएगा, बस वो खरा रहेगा। तो बस जी अब हम चल रहे हैं, जरा पार्लर होकर आते हैं, फिर देखते हैं आज चाउमीन किस तरह से बनाने। मैं वेजेज नहीं डालूंगी क्योंकि ये गधे वेजेज तो खाते नहीं, और देख लूंगी अगर मिली तो। हैं क्या अच्छा, बाल है यहाँ पर, बाल बहुत झड़ रहे हैं यार, पता नहीं क्यों इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, इतने सारे अभी गुच्छा निकाल के फेंक रहा है, वैसे ही कम है और झड़ झड़ के तो पता नहीं ख़त्म ही हो जाएंगे। चलो खैर फिलहाल अब हम चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं आपको जी? हम पार्लर। तो जी यहाँ पर देखो मेरी आईब्रोज हो गई हैं और हमें सुंदर बना दिया है, मेरे को सुंदर बनाया है। गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? निम्मी। निम्मी ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा से लगा। पहले करती थी हमारी चेतना, चेतना भी थोड़ा सा बिजी है काम करने में, तो निम्मी ने करा है आज का। और ये पार्लर मैंने सुना है कि चेतना, दो मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ पर आए थे, तो ये चेतना का पार्लर है, नाम क्या है? एलिगेंस ब्यूटी पार्लर। आसपास के जितने भी हैं ना सब आ जाना एलिगेंस ब्यूटी पार्लर में, बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर, क्योंकि हम यहीं पर ही आते हैं। बुलबुल भी है, जुमजुम वर्ल्ड की जो मैडम है वो, उसको भी मैं यहीं लेकर आती हूँ। हम लोग शुरू से बचपन से पैदा होते ही हम पार्लर में आ रहे थे चेतना के। तो जी अब हम चलते हैं घर पर, बहुत टाइम हमने यहाँ स्पेंड कर लिया, हो गया काम। तो ये देखो अल्फिया का हमेशा ऐसा सिल रहा है, ऐसे चलता है, मम्मी का दुपट्टा पकड़ के, हमेशा मेरा दुपट्टा पकड़ के पता नहीं क्यों चलती है ये, मम्मा की बेबी बन के है। हाय गाइस, मम्मी की बेबी बनी है। तो जी हो चुका है हमारा काम, अब हम चल रहे हैं घर। तो जी हम आ चुके हैं अब चाउमीन, चाउमीन 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 बनाने के लिए। तो बॉयल होने के लिए रख दिए मैंने अभी, और वेजीज में मैंने सबको बताया था मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, बच्चे खाते तो है नहीं, फालतू में वेस्ट मुझे मिली भी नहीं वेजी, सॉरी। तो बस अभी बॉयल हो जाए फिर हम खाएंगे पियेंगे। और आसिफ जी को छुट्टी मिले तो ये कूलर हटवाऊँ मैं यहाँ से, थक गई मैं। इनके पाँव में मेहंदी लगी है, अच्छा ही हो गया, थ्रेडिंग बना लो तो मतलब कितना अच्छा चेहरा लगता है ना। वैसे मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, टाइम नहीं था, वरना तो मैं सोच रही थी फेशियल भी करा लूँ। फेशियल तो मेरा घर पे ही रखा है, मैं खुद ही ट्राई करूँगी। आसिफ जी ने ला के दिया था मुझे फेशियल किट, ला के दी थी, तो मैं खुद ही ट्राई करती हूँ कैसे करते कैसे नहीं करते, देख देख के सब कर लूँगी, देख देख के सब करूँगी। यहाँ इनायत को मैंने बहुत बार निकले बोला है यो, इनायत को यो, ये क्या होता है? यो मीन्स अपना स्टाइल। ओए होए स्टाइल, पागल है ये लड़की, पागल है। हाय गाइस, बटन। अरे तो जी यहाँ पर मैंने चाउमीन जो है वो बॉयल होने के लिए रख दी थी। बॉयल होने में मैंने इसके अंदर पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि वो स्टिकी ना हो। यहाँ पर अच्छे से ये बॉयल हो चुकी है और मैंने कढ़ाई भी रख दी है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ खाली प्याज और ग्रीन जो चिली होती है ना बस वही काटी थी, और यहाँ पर काफ़ी हद तक इसका पानी भी निकल गया था, तो मैंने उसको एक जो छन्नी में रख दिया है ड्रेनर के अंदर, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं अलट पलट कर रही हूँ ताकि स्टिकी ना हो, वो एक आपस में चिपके ना, हालाँकि नहीं चिपकी थी बिल्कुल भी, माशाल्लाह से अलग अलग खिली खिली सी थी। तो बस यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल के अंदर मैं अब प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी, और फिर इसके साथ कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत ईजी बन जाती है, क्योंकि इसके साथ इसके सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी सब कुछ दे रखा होता है। तो इसको तो अगर मैं इनायत को भी बनाने के लिए कहूँगी तो वो भी बना देगी, ये मैगी से भी इजी लगती है मुझे। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना देते हैं। अच्छा बाहर की जो ये नूडल्स होते हैं स्पेशली मुझे नहीं पसंद आते हैं ये चाउमीन, हाँ कहीं का वैसे बहुत ही अच्छी कहीं की बनी हो ना तब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पसंद है। सिंगापुरी चाउमीन मुझे पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो अब तो खैर वो भी नहीं इतनी पसंद है। मेनाज ने एक बार खिलाई थी बहुत टाइम है, जब हम स्कूल टाइम में थे ना तो हम मम्मा मंगवाती थी सिंगापुरी चाउमीन वीक में एक बार, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए वीक में एक बार ये बाहर का आइटम रखती हूँ, ऐसे मम्मा भी हमारे लिए वीक में एक बार बाहर का आइटम रखती थी। वरना तो मोस्टली मेरी मम्मा खुद ही कुक करके घर में बनाती थी, ब्रेड पकौड़े हो जाए, टिक्की हो जाए, इवन गोलगप्पे हो जाए, हर चीज़ मम्मा घर में ही बनाती थी। तो वही चीज़ है कि मम्मा से ही हम लोगों को आदत पड़ी है घर में हर चीज़ बनाने की, साफ़ सुथरा होता है तो इसलिए घर में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और टमाटो केचप भी, हालांकि मैं इसका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि नाहिद को अल्फिया को ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे चुपचाप से डालना होता है। नाम अभी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं इस वजह से, स्पेशली इनाया स्कूल गई हुई है, अल्फिया जो है वो थोड़ी देर में जाएंगी तो सो रही हैं अभी वो। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डालने के बाद इसको दोनों हाथों से चला रही हूँ और ये बहुत ही गजब और यमी सी चाउमीन बनके हो जाती है रेडी कुछ मिनटों में ही। तो आज का हमारा जो ये लंच है ना वो बहुत ही यमी सा है और रात में मैं बनाऊँगी ये कोफ्ते। अगर आपको कोफ्ते के सालन की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा मसाला आया था, ये चाट मसाला था, मैंने चेक करके देखा ये क्या है, तो इसमें चाट मसाला था जो कि चाउमीन में डाला था और ये बहुत ही यमी सी चाउमीन बनके हो जाती है रेडी। बस मुझे इसमें एक ही शिकायत रहेगी, थोड़ा सा मैंने सोया सॉस जो है ना वो ज़्यादा हो गया, वरना मुझे थोड़ा ये ना डार्क कलर की चाउमीन इतनी पसंद नहीं है। थोड़ा मैंने घर का भी नमक डाल दिया, हालाँकि उन्होंने नमक साथ में डाला था बट वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था और सॉस भी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी। अपने अकॉर्डिंग बना लो, आपको अगर तीखा पसंद है तो मिर्ची डाल लो, बस ग्रीन चिली के साथ साथ रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। बाकी बच्चों के लिए बना रही थी तो मेरे को इतना ज़्यादा वो था नहीं, तो बस यही था और सिंपल से हमारे चाउमीन बनके हो जाती है रेडी। और फिर मैंने थोड़ा सा केचप इसमें और ऐड कर दिया कि थोड़ी सी मीठी मीठी सी अच्छी लगती है ना, किस किस को बताइएगा चाउमीन जो है ना वो कैसी अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें मेरा मन था चिकन डालने का लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मम्मा चिकन नहीं खाना, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना चिकन ऐसे नहीं खाते, फ्राई करके दोगे तो खा लेंगे, अदरवाइज पीस ऐसे पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी चाउमीन बनके हो जाती है रेडी। मैंने 3 प्लेट्स में निकाली है तो एक मैं भिजवाऊंगी घर पे और इनमें से खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही होती हूँ कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, तो काफ़ी गर्म थी तो बहुत ही यमी सी चाउमीन थी ये, तो जब मैंने खाई तो मुझे भी अच्छी लगी। फिर अभी बच्चे खाएंगे, बच्चे कहेंगे मम्मा ये तो बहुत ही यमी है चाउमीन बनी है। तो ये लोग कह रहे थे कि मम्मा इसे स्पून से खाते हैं, हाँ से, मैंने कहा यार देसी तरीका अपनाओ हाथ से खा जाओ कितने अच्छा ठीक है। तो बस यहाँ पर अल्फिया देखो कितने नाटक दिखा रही है और इनायत कह रही है गाइस ये बहुत टेस्टी है आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे मम्मा के हाथ के चाउमीन। तो बस अभी हम खाना पीना खा के थोड़ा सा लेट जाएंगे, फिर मिलेंगे शाम के टाइम आपसे। चाय बनाने के बाद मैं साथ ही साथ आप लोगों से एक बात भी कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको मिलेगा हमारे घर में एक सरप्राइज़, तो वो सरप्राइज़ क्या था मैं आपको बता देती हूँ अभी, बल्कि दिखाई देती हूँ क्या सरप्राइज़ है। मेरे लिए भी था, आप लोगों के लिए भी होगा। अरे मैं अदरक कूट लूँ, अदरक की आवाज़ आ रही होगी अभी, अदरक कूट लूँ फिर मैं आपको सरप्राइज़ दिखाती हूँ। सर्दियों में बिना अदरक के चाय कुछ नहीं थी, यहाँ पर भी चाय बन रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ वो सरप्राइज़ ये है। ये बेहतर सेकेंड ना है तो आवाज़ कम करो बेटा टीवी के। तो ये सरप्राइज़ है, हमारे घर पे आया था वाटर प्योरीफाई जो कि आसिफ जी ने मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर करा था, मुझे भी नहीं पता था, ये कल ही हमें रिसीव हुआ है। तो आज जब इसको असेंबल करने के लिए आए थे तो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है, हमें लगा हमारी इस वॉल पे आ जाएगा बट वो बहुत साइज़ में बड़ा है, बिगर है, तो वो इस वॉल पे ही आ सकता था जहाँ पर मेरी ये रैक लगी हुई है। तो अभी मैं इस रैक को कहाँ लगाऊँ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इस रैक को यहाँ से हटवा देती हूँ तो फिर मैं इस रैक को कहाँ शिफ्ट करूँगी, तो वो इस वॉल पर भी नहीं आ पाया। उसके बाद हमने सोचा चलो हम इस वाली वॉल पर करवा देते, तो इस वाली वॉल पे भी नहीं आ पा रहा क्योंकि इसका साइज़ आप देख रहे हो काफ़ी बिग है, तो वो इस वाली वॉल पे भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद पानी का कनेक्शन कहाँ से होगा, तो बस हमारे पास यही ऑप्शन था इधर वाला जो कि नहीं हो पाया, जगह ही नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, ये वापस जाएगा, इसको मैं
कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। कल से हम लोगों ने पता एक्साइटमेंट में इसको खोला भी नहीं था कि नहीं अभी ये वही भैया आके खोलेंगे। फिर जब उन्होंने दिखाया तो इसका साइज़ अभी तो काफ़ी बड़ा वाला है और ये काफ़ी हैवी भी है, मेरे तो बस की भी नहीं उठाना। तो चलो जब हस्बैंड आएंगे वो एक बार आपको लुक दिखा दूँगी मैं इसकी। लुक क्या है, ये बहुत ही खूबसूरत सी एक चीज़ आई थी मेरे घर में, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह 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 अभी हमारी किस्मत में ये नहीं है लगवाना। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये मेकअप, ये ऐसे है बिल्कुल ऐसा, ये आप देख रहे हो इसको, हमने देखा बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। सेम यही कलर है आगे का भी पीछे का, इस तरीके का ये। ओ, मेरे तो बच्चे काफ़ी उदास हैं, ये वापस जा रहा है कि मम्मा इसको वापस मत जाने दो, इसको ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, हमारे पास जगह ही नहीं है तो भी हम कहाँ लगवाएं इसको। तो ये तभी लग सकता है हमारे घर के अंदर जब वुड वर्क होगा ना हमारा, तो वो वाला जो रह के मैं रख बर्तनों का उसको मैं हटा दूँगी, उसकी जगह वो स्पेस खाली होगा तो फिर बर्तन ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर आ सकती हैं चीज़ें, जो किचन वाला एरिया है वहाँ पर। तो यही था सरप्राइज़, और जो कि अभी फ़िलहाल के लिए सरप्राइज़ नहीं है। काला बहुत आ रहा है, एक सेकेंड। तो पता नहीं क्या हो गया। तो यही था सरप्राइज़ जो कि अब वो वापस जा रहा है। कोई नहीं, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अंदर में तो जी यहाँ पर डिनर भी हो चुका है बनके रेडी। कोफ्ते और आलू का मैंने सालन बनाया, बहुत ही यमी सा। आप लोग भी आ जाइए ना, डिनर कर लीजिए। तो बस यहीं तक का था आज का आपका और मेरा साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।